हेलो फ्रेंड मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पी एसी अकेडमी फ्रेंड ये हमारा वन वर्ड सबसे ट्यूशन का पार्ट सिक्स है जिसने इससे पहले पाँचों पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं देखिए उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं लोगों ने कुछ अच्छे कमेंट भी किया ठीक है ठीके? लोगों ने बताया सही करा और ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है और ये आपके आगे भी यही आएंगे इंपॉर्टेंट है तो बहुत आपके लिए आपसे प्लीज़ देखिए और मैं वोका का सेक्शन लेकर आता हूँ उसमें मैंने इडियम फ्रेजेज़ और एंट्रेंस लोनेंस भी करवा रखे हैं अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं वो भी हमारे प्ले में अपडेट हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पहला वर्ड क्या है हमारा पहला वर्ड है ए प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन ऑफ प्लीजर और हेल्थ तो क्या होगा इसका ऑप्शन पैडॉक या फिर बूथ या फिर स्क्यूलरी या फिर रिजॉर्ट आप देखते हैं तो बताइए क्या होगा इसका तो इसका मतलब देखिए मैं बताता हूँ पेडॉक का मतलब होता है बाड़ा क्या होता है बाड़ा टाइप का ठीक है बाड़ा और इसके बाद है बूथ बूथ तो आप जानते ही हैं, इसका इसके स्कीुलरी स्कीरी स्कीलरी मतलब होता है जिने? एक तरह से बोल सकते हैं बर्तन मांजने की जगह क्या बर्तन माजने की जगह ठीक है बर्तन माजने की जगह ठीक है और नेक्स्ट नंबर रिजॉर्ट रिजॉर्ट ही इसका आंसर होगा ठीक है जहाँ पर हम लोग प्लीजर के लिए जाते हैं हेल्थ के लिए जाते हैं मतलब आराम से थोड़ा आराम करने करें एक तो आश्रय लेने जाते हैं रिजॉर्ट में तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एनक्लोजर एट ज्वाइनिंग ए रेस कोर्स वेयर हॉर्सेस आर बिफोर रेसिंग मतलब तो ऐसी जगह जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है रेस से पहले ठीक है ऐसी जगह तो क्या है क्रील होगी फिर ईवर होगी या फिर पैडॉक होगी या फिर बूथ होगी देखिए क्रील क्रील का मतलब क्या होता है क्रील का मतलब होता है एक तरह से टोकरी टाइप की टोकरी होती है डलिया टाइप की क्रील वो बोल सकते हैं ठीक है और ये क्या है ईवर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बोल सकते हैं घड़ा इसका मतलब क्या होता है घड़ा ठीक ये तो होगा नहीं ये क्या होगा ये होगा बाड़ा बाड़े में तो घोड़े घोड़े रहते नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वास्ट मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर ये सब डिशेस पॉट्स बर्तन वर्तन धोए जाते हैं कुकिंग के तो ये क्या क्या इसका ऑप्शन क्या है क्रिवेट क्रिवेट मतलब क्या होता है क्रिवेट मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं ये देखिए ऑप्शन बहुत अच्छा है क्रिवेट मतलब होता है नमकदानी नमकदानी बोल सकते हैं जैसे कि आप हम रेस्टोरेंट वह जाते हैं तो नमक नहीं निकालते हैं एक छोटी सी डिब्बी होती है उस ये नमकदानी नहीं इसमें बोल सकते हैं जैसे कि सॉस भी रख सकते हैं और विनेगर भी रख सकते हैं इस टाइप की कोई डिब्बी तो छोटी छोटी कोई ऐसा करके बनी होती हैं तो वही बोल सकते हैं उसे ठीक है डॉक्टर मतलब जानते ही है जैसे कि जहाँ पर शिप्स वगैरह जाते हैं और स्कीूलरी स्क्यूलरी मतलब क्या होता है यही तो होता है ये तो मैंने आपको बताया तो पहले ऑप्शन ये देखो जहाँ पर बर्तन माँजने की जगह जहाँ बर्तन माँज जाते, जाते हैं बर्तन धो जाते हैं ठीक है तो ये स्केलरी और क्यों ये आगे पता चलेगा तो आपको क्या होता है इसका क्वेश्चन आएगा ये आगे देखो ए पेयर ए प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड मतलब जहाँ पर शिप्स को लोड किया जाता है मतलब पानी वाले जहाज को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है ठीक है सामान तो क्या है ये अभी मैंने बताया इवर आपको क्या होता है यर मतलब होता है घड़ा ठीक है ये तो नहीं होगा और हमारा ऑप्शन है क्रिच ये देखिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रिच क्रिच मतलब जानते क्या होता है क्रिच बने बताया फिर से जब बच्चे नहीं जैसे हॉस्पिटल में बच्चे शिशु होते हैं तो उनके लिए एक जगह होती है शिशु शिशुग्रह टाइप का यहाँ बच्चे छोटे छोटे रखे में होते हैं सभी तो वही है ये शिकुग्रह ठीक है और शैत शत मतलब तलवार की तलवार की मियां जिसमें तलवार रखी जाती है तलवार रखते थे हम लोग मियां तो वही है मियान ठीक है आया क्वे क्वे मतलब क्या होता है जहाँ पर ये शिप्स अनलोड और लोड होते हैं ठीक है यही वाला है ऑप्शन हमारा नेक्स्ट सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिफ्रेशमेंट हॉल इन मोनेस्ट्रीज एंड कॉन्वेंट्स मतलब अभी यहाँ से आप समझिए रिफ्रेश होने जाएँ जहाँ पर बहुत थके हारे हों कॉन्वेंट में मोनेस्ट्रीज में तो हम लोग रिफ्रेश होने जाएँ तो पहला ऑप्शन हमारा ना पहला ऑप्शन हमारा क्या है वाइवेरियम वाइवेरियम मीस क्या होता है वाइवेरियम मीस होता है एक तरह से बोल सकते हैं ये भी बाड़ा टाइप होता है पिंजरा टाइप का बोल सकते हैं खरगोश पालने का बाड़ा या पिंजरा ठीक है पिंजरा बोल सकते हैं लेकिन पूरी तरह से पिंजरा नहीं जैसे खरगो तो खरगोश खरगोश जहाँ पाले जाते हैं पिंजरा टाइप का बाड़ा टाइप है वो ठीक है क्रील आपको बता चुके हैं क्रील क्या होता है टोकरी ठीक है और क्या आ गया हमारा सेलर सेलर देख लीजिए सेलर मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है तय खाना क्या होता है तय खाना ये भी आप नोट कर लीजिए तय खाना सेलर ठीक है और नेक्स्ट हमारा रिफैक्ट्री रिफैक्ट्री मतलब क्या होता है चाय खाना या फिर कॉफ़ी नहीं, नहीं हम लोग पीने चाय पीने देते यही तो उसकी बात कर रहा है ठीक है रिफ्रेश हो जाता है लोग चाय पी के वही बता रहा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रजर्वेशन प्रजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर अब ये क्या हुआ इसका मतलब वो जैसे कि हमारे बहुत सारी नी आकृतियाँ होती हैं कलाकृतियाँ होती हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा था ऐसी बिल्डिंग का नाम क्या है तो पैडॉक तो हम जानते हैं ये बाड़ा ये तो नहीं होगा और इसका क्या आ गया इसका ऑप्शन हमारा है डिसेंटर डिसेंटर मतलब जानते क्या होता है डिकेंटर या डिसेंटर इसका मतलब होता है मैं आपको बता रहा हूँ ये लिख लीजिए डिकेंटर मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं सुराही किसकी कांच की कोई मतलब कंटर बोल सकते हैं कंटर नहीं कैंटर लिहा हो कैंटर इसी समझिए कंटर टाइप का सुराही कांच की या फिर कंटर या फिर कंटर किसका कांच का जार होता नहीं कांच का वही समझ लीजिए अब यही हो कांच का जार टाइप का तो ये तो होगा नहीं और कैडी कैडी मतलब क्या होता है कैडी मतलब ये, ये समझ लीजिए बहुत चाय है कैडी मतलब होता है चायदान ठीक है इसमें चाय रखी थी चायदान ठीक है ये भी नहीं होगा क्या होगा इसका ग्लिप्टोथेका ग्लिप्टोथेका मतलब होता है कला भवन क्या होता है कला भवन यही तो रखे जाएंगे कला सारी कलाएँ हमारी कलाकृतियाँ ये सब यही रखी जाएंगे कला भवन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिसेप्टिकल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग इट इज मतलब ऐसा केस रिसेप्टिकल मतलब रखा हुआ

भर्ती है फिर अनिवार्य भर्ती होती सेना में अनिवार्य भर्ती रे क्या रेगुलर मतलब भरनी अनिवार्य भर्ती ठीक है ये तो होगा नहीं और मार्टर तो शहीद होता है रिक्रूट नहीं रिक्रूट करते हैं किसी को ये क्या होगा ये योगा ये होगा आइकोन आएकौनलास। लास्ट मतलब होता है इसका मतलब होता है यही जैसे कि आइकोनो क्लास का मतलब क्या होता है जैसे कि मूर्ति भंजक बोल सकते हैं मूर्ति भंजक जो मूर्तियाँ तोड़ता है ठीक है घृणा करता है मतलब इन सब से चीज़ों से मूर्ति भंजक बोल सकते हैं ठीक नेक्स्ट देखते हैं वन न्यू टू एनी मतलब जो बिल्कुल नया हो कुछ जानता ना हो तो क्या कैनिबल ये तो नरभक्षी होता है प्लेग्रेम ये तो वो होते हैं श्रद्धालु टाइप के और इसके बाद क्या है इसका मतलब होता है वैरागी मतलब माया तो से विरक्त हो गया अब उसे कोई मतलब नहीं वैरागी आगी हाँ ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं तो क्या होगा नो वाइज मतलब नो से किया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन हु फीड्स ऑन फ्रूट्स मतलब जो सिर्फ फ्रूट्स खाता है क्या खाता है फ्रूट्स तो कैनिबल तो बताने की सब्जी खाने वाले श्रद्धालु तो कौन होगा फ्रूट एरियन मतलब जो केवल फ्रूट्स खाता है वन हु जर्नीज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये मैंने कल आपको बताया था वन हु जर्नीज फ्रॉम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फिर स्ट्रेंट तो पैदल चलने वाले होते हैं पिलग्रिम श्रद्धालु कॉन्स्क्रिप्ट अभी बताया आपको सेना जब भर्ती करने वाले तो क्या होता है ये आई टी नरियन आई टी न मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं ठीक है आई टी नाराइन नेक्स्ट देखते हैं वन हु जर्नीज टू होली प्लेस ये देखिए होली प्लेस यानी कि पवित्र स्थान पर जो जर्नी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं वेजिटेरियन या कैनिबल या है फ्रूटेरियन क्या होगा पिलग्रिम श्रद्धालु ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा ए लीडर ऑफ द पीपल हु कंस्वे हिज फॉलो बाई हिज ओरेटरी आप देखते हैं ये क्या मतलब ये क्या कहना चाहता है मतलब लीडर की बात कर रहा है लोगों का तो मैं बताता तो हूँ इसका देख लीजिए इसे अच्छे से तो पहला ऑप्शन जैसे कि हमारा एक ऑप्शन इसमें ऑप्सक्रेंट ऑप्सक्रेंट मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं वादी रूढ़ीवादी जैसे नहीं प्रकृति प्रगति विरोध मतलब प्रगति से पसंद नहीं है प्रगति जो कर रहा है डेवलपमेंट हो इसे पसंद नहीं प्रगति विरोधी होता टाइप का ठीक है अंधकारवादी अंधकार पसंद है इसे पुराने टाइप का नहीं पता और इंग्रेट इंग्रेट मतलब इंग्रेट मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है इनग्रेट इसे आप देख लीजिए इंग्रेट मतलब क्या होता है इंग्रेट मतलब होता है एक तरह से कृतज्ञ आप कहेंगे आप कृतज्ञ क्या होता है सर ये कृतज्ञ क्या होता है ये कृतज्ञ नहीं होता जैसे एहसान एस फरमोश जो किसी का एहसान नहीं मानता ठीक है ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाता अपना ठीक और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डेमोगॉग डेमोगॉग मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं प्रजानायक या के नेता या फिर दुर्जनों का नेता ठीक है दुर्जनों का नेता टाइप का तो यही तो हुआ ये तो बोले ऊपर दुर्जनों का नेता नेक्स्ट सीखते हैं नेक्स्ट हमारा वन हु इज रीजनिंग इज क्लेवर येट फॉल्स तो उसका पैट्रियट शहीद होता है प्रॉफिट तो हो होगा नहीं इस नहीं होगा क्या होगा पेडेंट होगा क्या होगा पेडेंट ठीक है नेक्स्ट सीखते हैं वन हु हुस टू द कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की जो बातें छुप छुप के सुनता है कौन होगा एपिक्योर या फिर एंटरप्रेटर या फिर क्या होगा या फिर होगा लिंग्विस्ट या फिर होगा आप बताइए क्या होगा इनका तो क्या होगा ईब्स ड्रॉपर चुपके से बात सुनता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वन गिवन अप टू लग्जरीज लिविंग तो जो लग्जरीज लिविंग जीता है क्या कहते हैं उसे उसे कहते हैं एपिक्योर क्या कहते हैं एपिक्योर और लिंग्वेज भाषा बधी ठीक है और मिमिक तो बताएंगे नहीं मैं आपको अभी आ गया। आगे आप शायद आएगा वन हु प्रटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट अब ये देखिए ये कह रहा है कि ऐसा बंदा जो वो बनने की कोशिश करता है जो होता नहीं मतलब दिखावा दिखाने का कुछ और होता कुछ और है तो क्या कहते हैं मिनियन कहते हैं या फिर ऑल्ट्रिश कहते हैं कहते हैं फिर हेपोक्राइट कहते हैं तो आपको पता होगा हुआटोट मतलब क्या होता है दू भाषा मतलब इसका भेष अलग अलग है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये छलावा है सामने कुछ और होता है पीछे कुछ होता है तो यही होता okay. Next, है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इमिटेट्स वॉइस गेस्टर्स ई ऑफ अनदर मतलब जो दूसरों की वॉइस भी नकल कर लेता है गेस्टर भी एक्सप्रेशन भी तो ये कौन कहलाता है एग्जाइल एग्जाइल देश निकाला फ्यूजिटिव भगौड़ा सिनिक सिनिक मतलब क्या होता है निंदक जो निंदक करता है ठीक है निंदक क्या होगा इसका मिमिक जो मिमिक्री नहीं करते हैं हम लोग नकल बनाते हैं लोग वही क्या वन हु कैन एंटरटेन अनदर मतलब जो दूसरे को एंटरटेन कर सकता है क्या होगा हैकलर हैकलर तो वो होता है जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है वन हु आस टू मैनी क्वेश्चन इंसेंडियरी ये मैंने आपको बताया इंसेंडियरी में तो क्या होता है जो आग लगाता है आग लगाने वाला आगजनी करने वाला क्या आगजनी करने वाला आग जनी करता है जो तो ये तो होगा नहीं कौन होगा होस्ट जो होस्ट करता है ठीक है इंटरटेन करता लोगों का तो गायज ये हमारे कंप्लीट हो गए और आप इसे प्लीज़ देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ एक बार लाइक ज़रूर की अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं जबकि व्यूज़ इतने लेकिन लाइक नहीं करता कोई पता नहीं आपको पसंद नहीं आता पता नहीं क्यों जबकि आप ये मतलब की चीज़ें करा रहे हैं ठीक है और क्या क्या बोल रहा था हाँ और मैं जीएस की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे वो देख रही तो देख ले करेंगे आठ से दस बजे शाम को डेली मेरी वीडियो आती है उसे प्लीज़ आप जरूर देखिए उसको सब प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ठीक है थैंक यू